हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सीनो का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सीनो को घातांकों का गुणा और घातांकों का भाग बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। प्रश्न देखिए, -3 को पावर 2 इंटू -3 को पावर 5 है। अगर इसे सॉल्व करना होगा, देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं लोग। -3 को पावर 2 है तो -3 इंटू -3 लिखते हैं दो बार। -3 की पावर 5 है तो इसे लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 पाँच बार लिखेंगे, तब जाकर गुणा करके इसे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन तरीका आप लोग सीख लीजिए क्या है। देखिए, जब भी देखिए घातांकों के वाले प्रश्न में आधार, देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 है, आधार क्या हो, समान हो, तो गुणा करने पर क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, -3 का क्या हो जाएगा, पावर 2 और 5 को जोड़ लेंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो -3 का पावर 7, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको उतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न है देखिए, 2/4 का पावर 3 इंटू 5/3 क्या है, पावर 3 है। यहाँ पर आधार 2/4 है, यहाँ पर आधार 5/3 है। आधार क्या है, असमान है, लेकिन इनकी घातें जो हैं वो देखिए समान है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो जब क्या आपका आधार असमान हो और घातें समान हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2/3 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2/4 है तो इसे आप 2/4 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 2/5/3 है तो यहाँ पर 5/ आप क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। इसके बाद एक ब्रैकेट इस तरह से लगाकर, यहाँ पर देखिए पावर 3 था, यहाँ पर भी पावर 3 था, इनका पावर यहाँ पर 3 कर देंगे, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न थोड़े लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसे आप सीखेंगे तो इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, 2/4 × 5/3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2/4 का गुणा हमें 3 बार करना है और 5/3 का भी गुणा 3 बार करना है। इसके बाद जो भी सॉल्व होकर आएगा वही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न अधिकतर यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आधार क्या हो, असमान हो और घात भी असमान हो, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, उनका कहने का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पर 2 को पावर 3 कर दिया जाए, इंटू किया जाए क्या, 4 को पावर क्या 1 कर दिया जाए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। आधार 2 है, यहाँ पर आधार 4 है, असमान आधार है। घात यहाँ पर 3 है, यहाँ का घात 1 है, घात भी क्या है, असमान है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 को पावर 3 है तो यानी 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 × 2 × 2 करेंगे। इसके बाद 4 को पावर 1 है तो इंटू हम क्या, 4 करेंगे। तो 2 को 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 32 होगा। ये आपको किस लिए ये प्रश्न बताए जाते हैं, क्यों बताए जाते हैं, वो आप समझने का प्रयास किया करिए। आपका आधार असमान रहता है और घातें आपकी समान होती हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसीलिए ये सब तरीके आपको बता दिए जाते हैं। तो आप इन सबको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। चलिए अब मैं आपको भाग बताता हूँ। तीसरा सवाल है देखिए, इसे आप विस्तृत रूप में बताते हैं। 5/5/5/3 है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। 5 का पावर 5 है, इसे हम 5 को 5 बार लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 1, 2, 3, 4 × क्या 5 करेंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे। 5 पावर 3 है तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 5, 5 × 5 × 5। अब देखिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका क्या बताया था, अगर आपका आधार क्या होगा, समान होगा, तो गुणा करने पर तो घातें जुड़ जाती थी, लेकिन अगर आपका आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो, तो भाग करने पर क्या, घातें घट जाती हैं। तो इसे आप लिख सकते हो, 5 को पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 पावर 2, यही आपका क्या, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इस चीज को क्यों ऐसा किया गया, यहाँ पर देखिए 5 × 5 3 बार है, तो 3 5 से 1, 2, 3, ये 5 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 5 × 5 बचेगा, सिर्फ 5 × 5 बचेगा। तो 5 × 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 पावर 2 लिख सकते हो। इसीलिए ये सब तरीके आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो सके, समझने का आप अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो काफी अच्छा कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। अब ये जैसे देखिए आपका प्रश्न है, 8/4 पावर 3 / 3/6 पावर क्या है 3 है। आधार आपका असमान है, लेकिन घातें आपकी क्या है, समान है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, 8/4 यहाँ पर लिखेंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे, 3/6 है तो 3/6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे,
इनका पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे इस तरह से ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि आधार आपका असमान है लेकिन घातें आपकी क्या थी, समान थी। यहाँ पर इनका पावर 3 कर देंगे, ये भी आपका फाइनली सही आंसर माना जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब एक प्रश्न और आपको बताते हैं जिससे आप कुछ अच्छा कर सकें। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर घातांकों में गुणा भाग साथ में दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको नियम पढ़ाया गया है कि सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, तब गुणे को सॉल्व किया जाता है। वैसे ऐसे प्रश्नों में देखिए अगर आप गुणे को भी सॉल्व कर लेंगे फिर भाग को सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी, प्रश्न का उत्तर आपका सही आएगा। जब तब आपका गलत हो जाता है जब इसमें जोड़ भी दिया जाए तब गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए भाग को सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 पावर 2 है इंटू 3/4 पावर क्या है, 10, भागे 3/4 पावर 8 है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 3/4 पावर 2 है तो इसे आप 3/4 पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, इंटू का चिन्ह बनाएंगे। 3/4 पावर 10 है भागे 3/4 पावर कितना है, 8 है। आधार आपका समान है तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। इसे हम लिख लेंगे 3/4 पावर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार आपका क्या है, समान है, 3/4 है, 3/4 है, तो गुणा करने पर क्या घातें जुड़ जाती हैं। इसे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर चलिए लिख के बता देता हूँ। 3/4 क्या हो जाएगा, पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3/4 पावर कितना हो जाएगा, 4, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आज मैं आपको काफ़ी अच्छे तगड़े प्रश्न बताया हूँ घातांकों के गुणा और घातांकों के भाग में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।